ओम शांति। 12 दिसंबर 2023 की साकार मुरली। आज की मुरली है सबूत बच्चों की निशानियां, संगम युग का महत्व, हर्षित रहने की विधि, मायाजीत बनना है, सच्चाई का पाठ पक्का करना है और सदा डबल लाइट रहने की विधि, बाबा के महावाक्य ठीक समझ पाएं, इसके लिए एकाग्रता को बढ़ाना है। एकाग्रता को बढ़ाने के लिए अशरीरी होना है, शरीर के भीतर अपने आत्म स्वरूप के ऐसे दर्शन करें जो देह भूल जाए, जैसे कि जगमगाता सितारा ही दिखाई दे रहा कि मैं हूं चैतन्य शक्ति आत्मा। देह में टेम्परेरी प्रवेश हुई हूं, एक्टिंग कर लौट जाने के लिए, मुझे वापस ले जाने के लिए स्वयं निराकार परमात्मा पधारे। दूर ब्रह्मलोक से प्रजापिता ब्रह्मा के तन में और उनके मुखारविंद से शिववाणी उच्चारण होती है। आज शिव बाबा हम बच्चों के प्रति कह रहे हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान और योग के साथ साथ तुम्हारी चलन भी बहुत अच्छी चाहिए। अंदर कोई भी भूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम हो भूतों को निकालने वाले। तो 5 विकारों रूपी भूत ना हो अंदर, क्योंकि हमारा कार्य ये अन्य आत्माओं को विकारों से मुक्ति दिलाना। तो उसके लिए चाहिए ज्ञान की स्पष्टता, योग की गहराई और साथ साथ बहुत अच्छी चलन यानी गुणों की धारणा। तभी हम अपने और अन्य आत्माओं के भी विकारों को नष्ट कर पाएंगे। राज बाबा हमें सपूत बच्चों के बारे में समझाते हुए कह रहे हैं कि जो सपूत बच्चे होंगे उन्हें एक नशा चढ़ा हुआ होगा कि हम बाबा से डबल सिरताज विश्व का मालिक बनने का वरसा ले रहे हैं। इस नशे में रहेंगे सपूत बच्चे और काम क्रोध का भूत उनके अंदर नहीं होगा, क्योंकि अगर ये भूत अंदर है तो नशा स्थायी नहीं रह सकता। ऐसे बच्चे जिनके अंदर ये भूत है वो बाबा का रिगार्ड भी नहीं रख सकते। इसलिए पहला काम करना भूतों को भगाना, अपनी अवस्था को मजबूत बनाना, ताकि हम सपूत बने और इस नशे में सदा रहें कि हम डबल सिरताज विश्व का मालिक बनने की विरासत भगवान से, अपने बाबा से ले रहे हैं। फिर अब हम सुनते हैं बाबा की विशेषताएं। बाप समझाते हैं, लौकिक बाप को आत्मा परम पिता नहीं कह सकती, पारलौकिक पिता को परमात्मा कहते हैं। उनका कोई स्थूल या सूक्ष्म चित्र नहीं है, क्योंकि कोई भी कैमरे में उनकी फोटो तो खींची नहीं जा सकती है। और उनको याद कैसे किया जा सकता है, ये बाबा ने समझाया है कि जब पारलौकिक परम पिता को याद करते हैं तो उनको
देही अभिमानी कहा जाता है। सोल कॉन्शियस होंगे तो उनकी याद आएगी क्योंकि वो निराकार है, देह से परे हैं। लेकिन जब आत्मा देह अभिमान में होती है तो देह के साथ संबंध रखने वाला बाबा यानी वर्ल्डली फादर याद आ जाता है। इसलिए ये बाबा को याद करने के लिए मुख्य है सोल कॉन्शियसनेस, क्योंकि वो पारलौकिक पिता है, परलोक में रहने वाला अशरीरी निराकार पिता, उनको ईश्वर कहा जाता है। वह एक ही सर्व को पांच विकारों रूपी भूतों से छुड़ाने वाला लिबरेटर है, सर्व का सदगति दाता है, पतित पावन है और अभी गुप्त रूप से आए हुए हैं। ब्रह्मा के पुराने तन में आकर प्रवेश करते हैं, सबको मालूम तो नहीं पड़ता ना। इसलिए बाबा कहते सिर्फ तुम बच्चे ही बाबा को ऐसे गुप्त रूप में अवतरित हुए भी जानते हो, अंत में सब पहचान जाएंगे और बाबा को सलाम करेंगे, अभी हमने पहचाना है। इसलिए बार बार सोल कॉन्शियस होकर उनको निराकार स्वरूप से याद करते रहें। फिर बाबा हमें संगम युग का महत्व समझा रहे कि वर्तमान समय दो युगों के बीच का ये समय संगम चल रहा है। तो प्रीत बुद्धि बच्चे जानते हैं कि बेहद का नॉलेज फुल बाप खुद संगम युग पर ही आकर ये बेहद का स्कूल खोलते हैं। यहाँ हम बेहद की बादशाही पाने के लिए बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कोई हदें नहीं है, अनलिमिटेड नॉलेज है ये, और जो प्राप्ति है वो भी अनलिमिटेड है। ये अंतिम जन्म की पढ़ाई, इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है और चक्र को जानना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अशरीरी भव का साथ फील करेंगे, मैं जैसे देह में होते भी एक बिना शरीर वाली निराकारी आत्मा हूँ ओरिजिनली, फील करते रहें। तो बाबा कहते जितना अपने को आत्मा समझ मुझे याद करेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान प्योर सोना बन जाएंगे, जो पवित्र देवी संप्रदाय बनेंगे वही नई दुनिया सतयुग में जाएंगे। फिर जो जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, पवित्रता से नई दुनिया में जाने लायक तो बन जाते, लेकिन पढ़ना और औरों को पढ़ाना इससे स्टेटस हाई होता है। इसमें मुख्य है प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुख वंशावली ज्ञान ज्ञानेश्वरी जगत अम्बा। ये ब्रह्मा सरस्वती ही स्वर्ग में राज राजेश्वरी बनते हैं। तैयारी तो अभी संगम युग पर हो रही है। तो बाबा कहते ये संगम युग वास्तव में एक कुंभ है, जैसे कुंभ का मेला होता है जहाँ नदियों का मिलन होता है। और यहाँ बाबा कह रहे हैं ह्यूमन गंगाएं हैं, जो ज्ञान धारण कर और बांटे और ज्ञान सागर से मिलन मनाती हैं। ये भी कुंभ का मेला है। तो बाप कहते हैं अभी भगवान स्वयं तुम्हें भक्ति का फल ज्ञान दे रहे हैं, जिससे तुम्हारा भटकना बंद हो जाता है। तो बच्चों को क्या करना है, अपना जीवन महान बना है तो औरों का भी बनाना है, तो सेवा का शौक रखना है। तो बाबा कहते बच्चे
ईश्वरीय सर्विस कर अपना भविष्य ऊंच बनाओ, नहीं तो कल्प कल्प पद कम हो जाएगा। तुम्हें सबको भारत की कहानी सुनानी है कि भारत सतो प्रधान था, स्वर्ग था, अभी तमो प्रधान पूज्य से पुजारी बना है। सभी को देवी देवताओं की बायोग्राफी समझानी है, बताना है हम सब आत्माएं बेहद ड्रामा के एक्टर हैं। आत्मा ही शरीर धारण करती है और ऑर्गन से कर्म करती है। इस ड्रामा का डायरेक्टर स्वयं नॉलेजफुल गॉड है। वे एडम ईव द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, परंतु बच्चे इतने विशाल बुद्धि नहीं बने हैं अपने आप से ऐसी सेवा कर सके, सबको समझा सके। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा को कहकर बच्चों का स्क्रू टाइट करना पड़ता है। जैसे इंजन ठंडा होता है, उसे तेज करने के लिए कोयला डालते हैं। पहले कोयले वाले इंजन होते थे, ऐसे बाप भी ज्ञान के कोयले डालते हैं। देखो बाबा बच्चों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, सोचते हैं जैसे ये बाबा मम्मा महाराजा महारानी बनते, ऐसे बच्चे भी बने। परंतु इसमें अपने में निश्चय होना चाहिए, क्योंकि निश्चय में ही विजय है। और फिर दैवी चलन भी चाहिए, कोई विकार रूपी भूत नहीं होना चाहिए। बाप कहते हैं, अभी सभी बच्चों को चांस है। क्या चांस है? सेवा का। सेवा से ही समझा जा सकता है कि कौन ऊंच पद पाने की मेहनत कर रहे हैं। उसी से आत्मा का स्टैंडर्ड हाई जाता है और महारथियों की मेहनत छिपी नहीं रह सकती। तो हमें औरों को सुख देने की, बाबा से कनेक्ट कराने की सेवा बहुत करनी है, दिल से करनी है, और अपनी आत्मा को अपग्रेड करना है। फिर बाबा सच्चाई के गुण के लिए बच्चों को समझाने दे रहे हैं कि बाबा जानते हैं बहुत बच्चे ऐसे जिन्हें माया के तूफान आते हैं, काम क्रोध लोभ का भूत आ जाता है, परंतु बाबा को लिखते नहीं है, रिपोर्ट नहीं करते, ना कोई उनका साथी समाचार देते हैं कि बाबा हमारे साथी का ये हाल है। तो बाप कहते बच्चे, बाबा को तो लिखना चाहिए कि हमको ऐसे तूफान आते हैं, आप राय बताओ। बाबा फिर परिस्थिति देख राय बताएंगे। कोई बच्चे फिर सच्चे दिल से लिखते भी हैं, बाबा आज मेरे को काम का तूफान आया परंतु बच गया। कोई तो बाहर के सच्चे अंदर के झूठे, परंतु यहाँ अंदर बाहर बड़ी सफाई चाहिए। बाबा समझाते हैं, अगर बाप को सच सच नहीं सुनाएंगे, झूठ बोलेंगे, तो एक तो बीमारी वृद्धि को पाती जाएगी, विकार बढ़ते जाएंगे, दूसरा दंड मिलेगा क्योंकि आत्मा कमजोर रह जाएगी, विकर्म हो जाएंगे। अगर सच बताएंगे, जो थोड़ी ग्रहचारी होती है वह उतर जाएगी। बाबा मदद करते हैं। तो बाबा की बच्चों से उम्मीदें तो रहती हैं ना, इसलिए हर बात में सच्चा रहना चाहिए, तभी सच खंड के मालिक बनेंगे। हमें आज जरूर बुद्धि में अंडरलाइन रखना है, फोकस्ड रहना है कि अंदर बाहर सच्चे, जो भी विकारों का प्रभाव आए ठीक से रिपोर्ट करके गाइडेंस ले लेनी है। फिर सदा खुश रहने के लिए बाबा समझा रहे हैं,
बच्चों को दिल में सदा रहे कि अभी ब्रह्मा तन में स्वयं परम पिता परमात्मा शिव पधारे, वह हमको ऊंचते ऊंच स्वर्ग की राजाई के लिए राजयोग की पढ़ाई पढ़ा रहे, वहाँ पवित्रता सुख शांति सब है। ये चिंतन चलता रहे तो खुश रहेंगे, और याद रहे हर आत्मा में अपना अपना रिकॉर्ड भरा हुआ है। ड्रामा के प्लान अनुसार एक का पार्ट दूसरे से मिल नहीं सकता। अच्छा कर्मों अनुसार जाकर दूसरा शरीर लेते हैं, अच्छे कर्म वालों को अच्छा जन्म मिलेगा, जो पुरुषार्थ नहीं करते तो पद भी कम पाते। ऐसे ऐसे ज्ञान की गहराई का चिंतन करने से तुमको बहुत खुशी होगी, हमारी चढ़ेगी। खुशी में रहने के लिए ऐसा चिंतन अवश्य करते रहना है। और अब हम लेंगे सतगुरु बाबा से आज का वरदान। स्मरण करें बाबा के सतगुरु स्वरूप का, परम तेजमय सदगति दाता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भगवान, ब्रह्मा के ललाट से जगमगाते, अपनी दिव्य शक्तियां मुझ पर बरसाते, समग्र ऊर्जा मेरे अंदर समाती जा रही है, बाबा के मुखारविंद से वरदान उच्चारण हो रहा है, बच्चे मेरे को तेरे में परिवर्तन कर उड़ती कला का अनुभव करने वाले, डबल लाइट हव विनाशी तन और धन, पुराना मन मेरा नहीं है बाप को दे दिया, तो पहला संकल्प ही ये किया कि सब कुछ तेरा, इसमें बाप का फायदा नहीं है आपका फायदा है, क्योंकि मेरा कहने से फंसते हो, तेरा कहने से न्यारे हो जाते हो, मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते, और तेरा कहने से डबल लाइट रस्टी बन जाते। जब तक कोई हल्का नहीं बनते तब तक ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकते, हल्का रहने वाले ही उड़ती कला द्वारा आनंद की अनुभूति करते हैं। हल्का रहने में ही मजा है, और हल्का रहने की विधि बाबा ने बता दी, मेरे को तेरा कर दो, इसमें फायदा है। मेरा कहने से फंस जाते, तेरा कहने से न्यारे हो जाते हैं, बोझ उतर जाता है, लाइट हो जाते हैं। मैं हूँ डबल लाइट आत्मा, ऐसा याद रख बोझ उतारते जाना है। लोगन, शक्तिशाली आत्मा वह है जिस पर कोई भी व्यक्ति व प्रकृति अपना प्रभाव डाल न सके, तभी कहेंगे कि शक्तिशाली है। आज की बाबा की मुरली से हम होमवर्क लेते हैं कि बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं, अंदर बाहर साफ रहना है, जो भी कोई विकार वार करे सच सच सुना के शक्ति गाइडेंस लेनी है, और दिन भर याद रखना है कि अब वापस घर जाना है, इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, बार बार अपने को देह से न्यारा आत्मिक रूप में देखते रहेंगे, और साथ ही ईश्वरीय सर्विस का बहुत शौक रखना है, उसमें अलबेले नहीं बनना है, सदा हर्षित रहना है, तो ज्ञान के मनन चिंतन में बिजी रहना है, और डबल लाइट बनकर उड़ने उड़ाने के लिए
मेरे को तेरा करते रहना है, ये तन तेरा, मन तेरा है, मन से ज्योति बिंदु आत्मा, मेरे ज्योति बिंदु बाबा को देखती हूँ और उनका समग्र प्रकाश मेरा बनता जा रहा, बाकी सब कुछ तेरा, तो मेरा, हमारी सब शक्तियाँ, असीम प्रकाश मेरा, ओ शांति।